नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आए और बहुत से कैंडिडेट है जो इसी वीडियो की मांग कर रहे थे दोस्तों कि सर आपने क्रू मेंबर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेंगे, ये तो आपने बता दिया लेकिन सर इसके फॉर्मेट के बारे में नहीं बताया। जो BSF वाटरविंग रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी थी उसी रिक्रूटमेंट के लिए सर हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे तैयार करें, तो दोस्तों मैं इसी वीडियो के अंदर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, आपको किस फॉर्मेट में तैयार करना है और आपको कहाँ सिग्नेचर करवाना है और किस हिसाब से आपको जो पूरा लिखना है, तो मैं दोस्तों इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर है जो एक लेटर हैंड मेकर नाम का ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपको विंडो का जो जिस ऐप का विंडो का फ्रंट पेज है जो इसी प्रकार ओपन होगा जैसा कि आप ऑन स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों। वहाँ पर जाने के बाद आपको है ना दोस्तों इसी प्रकार के तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रोफाइल है, क्रिएट लेटर हैंड है और डाउनलोड है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल है जो कम्प्लीट करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट विंडो पेज इसी प्रकार का ओपन होगा और यहाँ प्लस का आइकन दे रखा है, इसी पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इसी पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम पूछेगा दोस्तों। तो जैसे ही आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ राम स्वरूप बिश्नोई, जैसा ये मेरा नाम लिख दिया दोस्तों। अब मेरी कंपनी का नाम है ये, अगर आप कोई भी डिसीजन या आपके बारे में कुछ लिखना चाहते हो, ये नहीं आप किस प्रकार की सेवाएं देना चाहते हो, ये अगर कोई भी लिखना चाहते हो, जैसे मैं मेरी कंपनी का नाम लिख देता हूँ श्री सत्यम मोटरबोट लेक SRI श्री SATIYAM सत्यम, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है जैसे मेरी कंपनी का नाम, चाहे XYZ आप किसी भी प्रकार की, जैसे ये मैंने मेरे मन से लिखा है श्री सत्यम मोटरबोट लेक सर्विस पिछोला लेक उदयपुर दोस्तों। यहाँ आपकी ईमेल लिख देनी है, जैसे मैं मेरी ईमेल लिख देता हूँ, चाहे कुछ भी लिखो। जैसा कि ये मैंने मेरी जीमेल आईडी लिख दी, यहाँ आपके कंपनी का नीचे एड्रेस लिख देना है। ये जैसे मैंने मेरी कंपनी का एड्रेस लिख दिया दोस्तों, अगर यहाँ नीचे कंपनी का फ़ोन नंबर लिख देना है तो आपको यहाँ पर नीचे कंपनी के फ़ोन नंबर भी लिख देना है दोस्तों। चाहे XYZ कुछ भी आपने आपको अपना है, जो कंपनी का मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देना है दोस्तों। अब जैसे ये अगर आपको ये नीचे कंपनी की कोई वेबसाइट लिखते हो तो भी आपको सब सारी चीज़ें लिख देनी है दोस्तों। ये लिखने के बाद में आपको ये जहाँ राइट का ऊपर कोने में निशान दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोफाइल है जो कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने कंपनी का लोगो है जो सेलेक्ट नहीं किया, तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक लोगो है जो आपकी मर्चेंटाइल से रिलेटेड लोगो है जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, तो दोस्तों मैं वहाँ से ये लगा देता हूँ आपके लोगो। जैसा कि ये मैंने मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक इंस्टॉल कर रखा था लोगो, तो ये लोगो है जो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये लोगो लगा दिया है और जैसे राइट पर क्लिक मारते हो आपका ये डाटा सेव हो चुका है दोस्तों।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगर आप आपको है ना जो अपना क्रिएट लेटर हैंड इंस्टॉल करना है, तो जैसे ही आप क्रिएट लेटर हैंड पे क्लिक करोगे, जब आपको अच्छा लगेगा लेटर हैंड जो आप अगर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि मेरे को ये अच्छा लगता है, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर क्लिक मारता हूँ तो ये मेरा पूरा डेटो आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि ये देख चुके हो आपकी, ये मेरा है जो पूरा लेटर हैंड है जो बनकर तैयार हो चुका है, श्री सत्य मोटर बोट लेक सर्विस पिछोला लेक उदयपुर। ये पिछोला लेक उदयपुर मेरा एड्रेस आ गया, नीचे मेरी जीमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर आ गया दोस्तों। ये सारा कुछ लेटर हैंड है जो इसी प्रकार से क्लियर हो चुका है। अब इसी लेटर हैंड के अंदर आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों वो फॉर्मेट समझिए। उसके बाद सीधा दोस्तों आपको राइट लेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट लेटर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसे करना, सबसे नीचे परफॉर्मेंस एप्रिलियस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो आपके सामने खुलकर आ चुका होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ से आप है जो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट नेम, तो यहाँ पर और उससे ऊपर दोस्तों आपको मंथ डे और ईयर है जो आपकी जिस डेट में इश्यू हो रहा है उसी डेट लिखनी है आपको। इसके नीचे आपका नाम है जो आपका नाम लिखना है, और आपका जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल पर्सन क्या था, आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या था। जैसे आपका जॉब टाइटल था जैसे क्रू मेंबर था तो क्रू मेंबर लिखना है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट था तो आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है जैसे शिपिंग मर्चेंटाइल डिपार्टमेंट। फिर बाद में यहाँ नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ आप सरनेम, आपका पूरा नाम, फादर्स नेम और आपका एड्रेस, और आपने मतलब जो कुछ भी आपका एम्प्लॉयमेंट का किस काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, आपको ये सारा कुछ यहाँ लिखना है। और उसके बाद ये ऐसा कैसा लिख देना है, आपको यहाँ पर पीरियड लिखना है आपने किस तारीख तक काम किया है। तो दोस्तों यहाँ अंत मतलब जिस दिन से शुरुआत की थी आपको वो पीरियड लिखना है दोस्तों। और उसके बाद नीचे चलते हैं तो नेम ऑफ कंपनी लिखना है, आपको कंपनी का वापस नाम लिखना है दोस्तों यहाँ पर। और फिर बाद में आपकी बेसिक पे यहाँ लिख देना, ये यूएस डॉलर है तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके रुपये में भी लिख सकते हो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेडिकल बेनिफिट अलाउंस ऐसा आपको सारा कुछ लिखने के बाद में यहाँ आपको सब कुछ लिख दिया दोस्तों। लिखने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस भी कंपनी का लिखना है, और नीचे ये आता है नेम ऑफ ऑथराइज रेस्पेक्टिव यानी आप कंपनी का ऑथराइज है उसके हस्ताक्षर होना चाहिए, आपको जॉब डिसीजन यानी आपका उनका नाम होना चाहिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट का नाम और कंपनी का नाम होना चाहिए दोस्तों। ये इतना सब कुछ लिखने के बाद में बाकी है जो आपको सेम टू सेम ही रखने देना है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट लेटर पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप लोग ये जनरेट लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू फॉर्मेट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो बनकर तैयार हो चुका होगा दोस्तों आपको। और देखो दोस्तों आपको देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, दोस्तों यानी देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यानी इतना आप है ना जो अगर किसी भी कंप्यूटर में वर्ड से आप ये टाइपिंग करके लिखते हो तो इतना मतलब है ना आपको बनाने में खर्चा भी आ जाएगा दोस्तों और मेहनत भी लग जाएगी दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एड टू एड उठा के कॉपी करना है दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि आपने अभी देखे कितना शानदार दिखने में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर कंपनी को ऑथराइज और हस्ताक्षर सील हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से आपको ये फॉर्मेट बनाना। अब ये बहुत से आपके मन में डाउट रहेगा कि इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक दे रखा है, यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको अपना पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना दोस्तों। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा दोस्तों, ड्रॉ में जैसे यहाँ जोड़े, यहाँ पर क्लिक होने के बाद में जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया था आपके बनाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो आपको बनाना दोस्तों। अब रही बात की बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर हम लोग शेयरिंग का सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेयरिंग का सर्टिफिकेट नहीं होता, शेयरिंग में 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा आपको करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ही आप है जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना वीडियो देखते हो बहुत, तो एक तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही वीडियो को शेयर करते हो दोस्तों, और ना ही लाइक करते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि भविष्य में इसी प्रकार की सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहे दोस्तों। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।